ओके बच्चों, पिछले क्लास में डीएनए रिप्लिकेशन को हम लोगों ने बहुत हद तक कंप्लीट किया था। डीएनए रिप्लिकेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा था, एंजाइम्स था हेलिकेज, और इसको फिर से ट्विस्ट नहीं होने दे, इसके लिए एसएसबी एंजाइम्स, और यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होता था, इसके लिए टोपो आइसोमेरेज, ये तीन एंजाइम्स है ना यहाँ पे फंक्शन कर रहा था। हमेशा न्यू स्टेन का जो फॉर्मेशन होता है 5-2-3, 5-2-3, ये जो प्राइम है ना, प्राइमर है आरएनए, एक्चुअली ये आरएनए है, तो ये प्राइमर, जैसे ये कंटिन्यूस एक प्राइमर से पूरे स्टेन बनेगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे ये कंटिन्यूस ओएच ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये स्टेन में हर लोकेशन पे है, यहाँ से प्राइमर हुआ है कंटिन्यूस, फिर यहाँ तक टूटेगा अगर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे एक प्राइमर होगा, फिर ये कंटिन्यूस यहाँ तक क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या होगा, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। लैगिंग स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर क्या होगा, रिमूव होगा, और फिर उसको डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फिल करेगा, देखते हैं कैसे। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड एड होगा, ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एड होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, जिसमें डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो सकता है, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी है ना थाइमिन ट्राईफॉस्फेट, ये सारा एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड ये क्या होंगे, एड होंगे। इनएक्टिवेट फॉर्म में ये एड नहीं होगा जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इस तरह से फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर, ये एक्टिवेट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा डायग्राम करके समझेंगे। ये जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था, फोर्क का वाई से फोर्क का फॉर्मेशन हो रहा था, 5-2-3 प्राइम, 3-2-5 प्राइम इंड, इस तरह से था। यहाँ पे प्राइमर्स 5 प्राइम पे प्राइमर्स एड होंगे, ये 3 प्राइम होगा, यहाँ पे ओएच ग्रुप, यहाँ पे प्राइमर का ओएच ग्रुप न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, हम लोगों ने देख भी चुका था। इस तरह से न्यू न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, इस तरह से 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पे ओएच मिल जाएगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड इस तरह से ओएच ग्रुप के साथ मिलेंगे, ये ओएच, और यहाँ पे जो फॉस्फेट है इसके साथ बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड ये यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे 1 नंबर कार्बन के साथ क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस का, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये NB मैंने लिखा नाइट्रोजनस बेस, ये इधर अगर एडिनिन होगा तो इधर क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा AT, यहीं पे अगर आरएनए प्राइमर के साथ बेस होता है ए का, तो ए का यू के साथ होता है ना GC, इस तरह से है ना, सी होता तो जी होता है, इस तरह से प्राइमर आरएनए के साथ, एडिनिन के साथ थाइमिन होना चाहिए लेकिन आरएनए है तो यूरेसिल होगा, लेकिन ये जो है डीएनए का ही स्टेन है, AT नाइट्रोजनस बेस के साथ, GC और फिर CG, इस तरह से न्यू न्यूक्लियोटाइड एड होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस डाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर बनेंगे, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, इस तरह से है ना। तो बाकी अब हम लोग को यहाँ पे ये सारी मसला तो देख चुके थे, अब जो न्यू मैटर यहाँ पे आएगा, आरएनए प्राइमर का रिमूव है, रिमूवल है ना 5-2-3, और इस तरह से
प्राइमर 5 to 3 एंड देन 5 to 3 5 to 3 इस तरह से प्राइम लोकेशन में न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो प्राइमर है इसका फिर रिमूवल भी होना चाहिए। इस स्टैंड पे एक बार खुला था तो ये प्राइमर के साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए थे, फिर यहाँ पे प्राइमर्स था, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए थे, प्राइमर OH ग्रुप दे रहा था, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए थे, 5 to 3 इस तरह से हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर्स होंगे और ये टुकड़ों में होगा, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, है ना। इस फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, है ना। और ये जो कंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स है इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये ओकाजाकी को और में लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस भी बोलते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, इस तरह से, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड अभी है ही, इस तरह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या फिर लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं। अब ये जो प्राइमर है इसका रिमूव होगा और फिर इसका ज्वाइनिंग होगा, है ना। ये ज्वाइन कौन करेंगे, सबसे पहले ये प्राइमर का रिमूवल होगा, ये प्राइमर का क्या होगा, प्राइमर रिमूव होंगे, प्राइमर का इस तरह से रिमूवल होगा, रिमूव होंगे, ओके। रिमूव होके ज्वाइंट होगा ये डीएनए लाइगेस से, है ना, रिमूव एंड ज्वाइन, ये क्या होंगे, रिमूव एंड ज्वाइंट। यहाँ तो ज्वाइंट नहीं होगा, स्टार्टिंग में है, ये रिमूव होगा, यहाँ पे ये रिमूव होगा, प्राइमर रिमूव होंगे और ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट बाय डीएनए लाइगेज, क्या होंगे, डीएनए लाइगेज, ये इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ये हटेंगे और फिर ये ज्वाइन होगा, तो इस तरह से होंगे, प्राइमर रिमूव होंगे देन गैप फील्ड बाय डीएनए लाइगेज, है ना। प्राइमर रिमूव होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देंगे, प्राइमर रिमूव्ड, प्राइमर रिमूव, है ना, देन गैप ज्वाइंड बाय या फिर फील्ड बाय डीएनए लाइगेज, इस तरह से ये होंगे ये सारी चीज़ें, ओके। अब यहाँ पे एक लीडिंग स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देखेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड, ये सारी चीज़ें तो हो गई, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर इस तरह से रिमूव होता है, ये सारा रिमूव होता है, 5 to 3 रिमूवल होती है। और यहाँ पे जैसे नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो अगर बाय द वे कोई नाइट्रोजनस बेस, है ना, मिस कर रहा है या फिर दूसरा बन रहा है, तो प्रूफ रीडिंग 3' to 2 5' होता है, है ना। एक्सो न्यूक्लियस ये प्राइमर को 5 to 3 रिमूव करता है और प्रूफ रीडिंग जो होती है 3 to 5' होती है, इस तरह से प्रूफ रीडिंग बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ तो देखिए, प्राइमर रिमूव होगा और लाइगेज उसको क्या करेगा, जोड़ेगा, या रिमूव करने के लिए एक्सो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। अब हम लोग ये दोनों स्ट्रैंड को देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लीडिंग स्ट्रैंड
और दूसरा है लेगिंग स्टैंड। लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। ये जो लीडिंग स्टैंड है कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रो कंटिन्यूसली। और ये जो लैगिंग स्टैंड है ये ग्रो करता है डिसकंटिन्यूसली। ये डिसकंटिन्यूसली ग्रो करता है। दूसरा पॉइंट, ये जो लीडिंग स्ट्रेन है यहाँ पे सिंगल प्राइमर पूरे न्यू स्ट्रेन को ऐड कर देगा, वन प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वहीं पे लैगिंग स्ट्रेन में ऐसी बात नहीं होगी, बार बार प्राइमर जुड़ेंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा नया प्राइमर जुड़ेंगे, नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, तो यहाँ पे मोर देन वन प्राइमर्स होंगे, मोर देन वन प्राइमर इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे न्यू स्ट्रेन टुकड़ों में नहीं बनता है, इसमें टुकड़ों में बनता है जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो लीडिंग में ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, अब्सेंट होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है। और यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये बात होती है, ये डिफरेंस है लीडिंग स्ट्रेन और लैगिंग स्ट्रेन में। ये जो लीडिंग स्ट्रेन है कंटिन्यूसली ये फास्ट ग्रो करता है, फास्ट ग्रो। और इसकी जो ग्रोथ होती है स्लो ग्रोथ होती है। इनकी ग्रोथ कैसी होती है, स्लो ग्रोथ होती है। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। सिंपल, एक स्ट्रेन है उसका नया कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन बन रहा है, दैट मीन्स एक पेरेंटल स्ट्रेन होगा, दूसरा नया स्ट्रेन होगा, न्यू स्ट्रेन है ना, सेमी कंजर्वेटिव पेरेंटल न्यू स्ट्रेन इस तरह से बनेंगे। तो रिप्लिकेशन जब भी डीएनए होगा, डीएनए रिप्लिकेट करेंगे तो इस तरह से जो डीएनए बनेंगे है ना, इसके दोनों स्ट्रेन अलग हो जाएंगे और एक नया स्ट्रेन इस तरह से बनेंगे, दैट मीन्स सेमी कंजर्वेटिव, 50% ओल्ड और 50% न्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रिप्लिकेशन इज, यहाँ तक डीएनए रिप्लिकेशन इज क्या होगा, कह सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव। साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूस। एक स्ट्रेन कंटिन्यूसली बनता है, दूसरा रुक रुक के बनता है, सेमी डिसकंटिन्यूस है ना। सेमी कंजर्वेटिव के साथ कर सकते हैं सेमी डिसकंटिन्यूस। ये बातें हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। ओके, तो ये हम लोग याद रखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन इस तरह से होती है। आगे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन करता है, रिप्लिकेशन करता है, डीएनए डीएनए बनाता है। ये प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के और यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में नंबर चेंज होता है। 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे होती है, प्रोकैरियोट्स में होती है ना। 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे होगी, ये इन प्रोकैरियोट्स।
थ्री टाइप्स क्या क्या हैं? थ्री टाइप्स में डीएनए पॉलीमरेज वन, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीन होता है, थ्री टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वन, जिसको यहाँ पे बोला जाता है पोल वन, है ना, ये भी बोल सकते हैं पॉलीमरेज वन, डीएनए पॉलीमरेज वन। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, पोल टू हम लोग लिखेंगे। और तीसरा जो होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, पोल थर्ड, इस तरह से। तीनों में थोड़ा सा है ना ख़ास बात है, उनको मेंशन करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज या फिर पॉलीमरेज वन, ये जो होता है फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था इसको कॉर्नबर्ग ने, किसने किया था? कॉर्नबर्ग, इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं इसको, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवर्ड, फर्स्ट डिस्कवर्ड ये हुआ था। इस वजह से इसको बोला जाता है कॉर्नबर्ग एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म में ENZ, है ना, एंजाइम। ये कॉर्नबर्ग एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है, किस डायरेक्शन में होती है? 5-3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, 5-3 प्राइम इन डायरेक्शन में होती है। पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी इसको बोलते हैं, 5-3 क्या होता है? पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी हमेशा क्या होता है? 5-3 प्राइम इन होता है, है ना। पोल टू भी करता है, पोल थ्री भी करता है, यहाँ पे भी ये पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी 5-3 होती है, यहाँ पे भी 5-3 होती है, 5-3 होती है, इस तरह से। तो पॉलीमरेज वन, पॉलीमरेज टू, पॉलीमरेज थर्ड, ये तीनों पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी जो करता है 5-3 प्राइम, है ना। लेकिन ये जो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होती है, मेन रिप्लिकेशन एंजाइम जो है पॉलीमरेज थर्ड है, क्या है? मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम। मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, बहुत फास्टर होता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड कर सकता है, पर सेकेंड ऐड करता है, फास्टर एंजाइम्स है रेस्ट ऑफ टू से, ये फास्टर है। 2000 दोनों से रेस्ट ऑफ टू से, ये दोनों जो है पोल वन पोल टू उनसे फास्ट है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये जोड़ सकता है। नए स्ट्रेन का जो फॉर्मेशन होगा, नए स्ट्रेन 2000 बेस पेयर को एक सेकेंड में जोड़ेगा, ये बहुत फास्ट होती है। दूसरी जो एक्टिविटी हम लोग देखते हैं पोल वन पोल टू और पोल थ्री का, एक्सोन्यूक्लियस का एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे प्राइमर था, प्राइमर को रिमूव करता था एक्सोन्यूक्लियस, है ना, तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है वो किधर होती है? 5-3 होती है, इधर 5 है, इधर 3 प्राइम है, तो 5-3 होती है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, प्राइमर को रिमूव करने के लिए होता है, रिमूवल ऑफ प्राइमर के लिए। तो ये किस डायरेक्शन में होती है? 5-3 प्राइम किसकी एक्टिविटी होती है? एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है, और ये क्या करता है? रिमूवल ऑफ प्राइमर, ये रिमूवल ऑफ प्राइमर के लिए होती है, है ना। तो पोल वन के थ्रू ये एक्टिविटी होती है, अदर पोल टू पोल थ्री में ये एक्टिविटी नहीं होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, है ना, एक्सो मीन एंड, न्यूक्लियस दैट मीन्स डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ये जो होती है एक्सटर्नल पार्ट से, बाहर से,
है ना, इन पार्ट से उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ प्राइमर जो होता है, ये हमेशा 5 to 3 होता है, पोल 2 पोल 3 यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये तो डाइजेशन के लिए होती है 5 to 3, लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग के लिए देखें तो प्रूफ रीडिंग के लिए ये उल्टा चलता है, ये इधर से प्रूफ रीडिंग होती है, उल्टा है। डाइजेशन के लिए 5 to 3, प्रूफ रीडिंग के लिए 3 to 5 प्राइम है ना क्या होती है, मूव करता है एक्सोन्यूक्लियस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे एक्सोन्यूक्लियस का एक्टिविटी, इसी को एक्सटेंड करेंगे, थर्ड एक्टिविटी देखेंगे, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है ये क्या होती है, 3 prime to 5 prime होती है ना, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सो न्यूक्लियस की जो एक्टिविटी होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, किसके लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग है ना, जो गलती है, गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है उसको प्रूफ करके रीड करके सही करेगा, है ना। मेजर रिपेयर एंजाइम्स पोल 1 है प्रूफ रीडिंग के लिए, है ना। प्रूफ रीडिंग इधर भी होती है, इसके थ्रू भी होती है, इसके थ्रू भी होती है, बट मेजर रिपेयर एंजाइम्स या फिर प्रूफ रीडिंग वाला एंजाइम्स है, मेजर एंजाइम्स ये है, मेजर रिपेयर एंजाइम्स बोलते हैं, मेजर रिपेयर एंजाइम्स। ये है ना माइनर, ये है और ये एवरेज में जाता है। यहाँ पे जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है कैसा होता है, अलमोस्ट एक्यूरेट, फास्ट और एनर्जी कंज्यूमिंग होती है ना। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ना कैसा होता है, फास्ट होता है, और दूसरा कह सकते हैं अलमोस्ट एक्यूरेट होता है, और तीसरा कह सकते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ तक यूकेरियोट्स की अगर बात करें, प्रोकेरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए एपी बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, पोल 1 पोल 2 पोल 3 है ना, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स में 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होता है, किसमें, यूकेरियोट्स में 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, फाइव टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज क्या होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन, 2 2 4 1 5, ये अल्फा बीटा गामा है ना डेल्टा, एप्सिलॉन, ये टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पी होता है, डीएनए पॉलीमरेज है ना, तो याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरएनए को जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए के रिगार्ड बात करेंगे। नेक्स्ट आरएनए को देखेंगे, जेनेटिक आरएनए एंड
नॉन जेनेटिक आरएनए, टू टाइप्स ऑफ आरएनए, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक. ओके, थैंक यू.